हेलो व्यूवर्स, इस वीडियो लेसन में हम आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो फिल्टर फंक्शन है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने आपको फिल्टर फंक्शन का इंट्रोडक्शन और सिंगल क्राइटेरिया के साथ उसका यूज़ करना आपको सिखाया था। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वीडियो ज़रूर चेक कर लें ताकि आपको पता चले कि एक्स लुकअप जो फंक्शन है उसको किस तरह यूज़ किया जाता है। तो अब हमारे पास इस लेक्चर में इस वीडियो में हम एंड और क्राइटेरिया या मल्टीपल क्राइटेरिया के साथ जो फिल्टर फंक्शन है उसका यूज़ सीखेंगे। अब हमारे पास ये शीट है और यहाँ पर हम जो स्टूडेंट आईडी है और उसके सेमेस्टर के बेसिस पर, यानी दो कंडीशंस है कि स्टूडेंट आईडी ये हो और सेमेस्टर ये हो, तो यहाँ से हम डेटा जो है ये इस शीट है, ये जो स्टूडेंट आईडी है और ये सेमेस्टर, इनके बेसिस पर हम जो डेटा है वो फिल्टर करना चाह रहे हैं। तो ये कंडीशंस जो सेकंड आर्गूमेंट है उसमें हम यूज़ करेंगे। लेट्स डू इट, फिर आपको पता चलेगा। यहाँ पर हम वैल्यूज़ जो है वो पुट कर लेते हैं 59005 और इसका सेमेस्टर वन का। तो ये दो कंडीशंस हैं कि स्टूडेंट आईडी 9005 हो और जो सेमेस्टर हो वो वन हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू फिल्टर। अब हमारे पास एरे क्या है, एरे हमारे पास ये डेटा में है, ये देखें, ये यहाँ पर हमारे पास एरे है। तो यहाँ से हम ये जो पूरा एरे है ये सेलेक्ट करेंगे, ये देखें, ये पूरा एरे जो है ये A1 से लेकर O66 तक, ये हमारे पास एरे था। अब इसके बाद ये देखें कॉमा। अब कॉमा के बाद जो सेकंड आर्गुमेंट है देखें इंक्लूड का, इसे आप थोड़ा नीचे कर लें, इंक्लूड। अब इंक्लूड में हम दो जो क्राइटेरियाज है, टू क्राइटेरियाज ये देंगे। एक हमारे पास स्टूडेंट आईडी है, इसके लिए हम स्टूडेंट आईडी का ये वाला जो कॉलम है ये यूज़ करेंगे, और दूसरा हमारे पास क्या है, सेमेस्टर का। तो दोनों को हम अलग अलग करके जो कंडीशंस हैं वो देंगे इंक्लूड में। तो इंक्लूड में सबसे पहले क्या है कि स्टूडेंट आईडी, ये देखें स्टूडेंट वाला जो आईडी है इसका पूरा कॉलम आप इंसर्ट कर लें, देखें देखें, इस तरह आप सेलेक्ट कर लें। तो ये कॉलम हम यहाँ पर एंड में जो क्राइटेरिया है यहाँ पर हमारे पास ये इज इक्वल टू ये क्या हो, ये स्टूडेंट आईडी यहाँ पर जो हम एंटर करेंगे तो इसके इक्वल हो। अभी हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन है ये कंडीशन हुआ, ये देखें। अब क्योंकि हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ से आके आप, ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है तो यहाँ पर आप ब्रैकेट ये लगा लें। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड क्राइटेरिया है उसके लिए हम एंड के लिए हम स्टार या स्ट्रेस यूज़ करते हैं। इसके बाद हम सेकंड क्राइटेरिया भी इसी तरह इनपुट करेंगे, लेकिन हमारे पास जो कॉलम का क्राइटेरिया है वो क्या होगा, ये सेमेस्टर होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर डेटा में आएंगे, यहाँ पर आप ब्रैकेट स्टार्ट कर लें ब्रैकेट्स, और यहाँ पर हमारे पास क्राइटेरिया क्या है, ये सेमेस्टर है। देखिए सेमेस्टर का क्राइटेरिया आप सेलेक्ट कर लें, पूरा कॉलम जो है ये आप सेलेक्ट कर लें, देखें। और इसके बाद इज इक्वल टू, ये सेमेस्टर हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो हमारे पास जो एंड फंक्शन का यहाँ पर जो कंडीशन है वो सेमेस्टर यहाँ पर है। तो इसके बाद जो ब्रैकेट्स है वो क्रॉस कर लेते हैं। तो ये टू क्राइटेरियाज हैं, ये 9005 ये जो कंडीशन है ये भी ट्रू होनी चाहिए, और इसके साथ ये जो दूसरा कंडीशन है ये वाला कंडीशन ये भी ट्रू होना चाहिए। इसके बाद कॉमा, अगर ये कोई वैल्यू रिटर्न, थर्ड आर्गूमेंट क्या है, FMT, अगर ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता तो हम यूज़र को क्या आउटपुट देना चाह रहे हैं, तो हम यूज़र कहें नो डेटा, आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद ब्रैकेट्स क्लोज और एंटर, अभी एक्सपेक्ट करेगा क्योंकि ऑनलाइन है थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये देखें, ये सेमेस्टर वन का, और ये सेमेस्टर वन का स्टूडेंट आईडी है 9005 और सेमेस्टर। जो हमने, अगर आपने पिछला जो हमारा वीडियो है वो आपने चेक किया है तो वहाँ पर ये देखें, हमने सिर्फ एक क्राइटेरिया के थ्रू किया था, तो ये 906 का जो सारा डेटा जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा था, इसमें सेमेस्टर वन भी था और सेमेस्टर थ्री भी था, लेकिन यहाँ पर हमने हमें जो स्टूडेंट आईडी है और उसके साथ जो कंडीशन है सेमेस्टर का वो आप सेमेस्टर थ्री कर लें। ये देखें सेमेस्टर थ्री का डेटा एक्सपेक्ट कर रहा है। अब टू सेमेस्टर हम कर लेते हैं, ये सेमेस्टर टू का डेटा है। इस तरह फोर्थ आप कर लें, फोर्थ सेमेस्टर इसका नहीं है तो यहाँ पर नो डेटा आएगा। अभी देखें नो डेटा गया है। अब हमारे पास जो और क्राइटेरिया है, ये हमारे पास जो तीसरी शीट है इसको हम चेक कर लेते, करके देख लेते हैं। अब हमें यहाँ पर सेमेस्टर इनपुट करेंगे, जैसे हमारे पास सेमेस्टर वन है, और का मतलब है कि सेमेस्टर वन का डेटा भी आप एक्सट्रैक्ट कर लो और सेमेस्टर थ्री का डेटा भी आप एक्सट्रैक्ट कर लो। तो इट मीन्स के दोनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन जो है ये ट्रू होनी चाहिए। एंड में क्या थी कि दोनों कंडीशंस के जो स्टूडेंट आईडी हो ये बिल्कुल यही स्टूडेंट आईडी होनी चाहिए और सेमेस्टर बिल्कुल यही सेमेस्टर होना चाहिए, लेकिन जो और का क्राइटेरिया है उसमें यह है कि दोनों कंडीशंस में से अगर एक भी ट्रू हो तो वो डेटा यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करें। तो लेट्स वेट इज इक्वल टू फिल्टर। अब हमारे पास उसी तरह जो एरे है, एरे हमारे पास क्या है, अरे हमारे पास ये है, ये देखें, ये A1 से O66 तक, इसके बाद कॉमा। अब हमारे पास जो सेकंड आर्गुमेंट है, देखें
हमारे पास जो सेकंड आर्गुमेंट है इंक्लूड। अब इंक्लूड में हम क्या है, दोनों कंडीशन में हम सेमेस्टर इंक्लूड करेंगे। देखें सेमेस्टर ये इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू आर में जो हमारे पास जो शीट है इसमें आप आए, और ये पहला वाला जो कंडीशन है कि इसकी इक्वल हो। अब यहाँ पर भी हम ये जो पहली कंडीशन है इसको हम रैप करेंगे, दो कंडीशन है तो हम इसको रैप करेंगे ब्रैकेट्स में। देखें हमारे पास पहला कंडीशन था, और जो कंडीशन है उसके लिए हम प्लस यूज़ करते हैं। प्लस जो आपका कीबोर्ड है उसमें जो इक्वल का जो इक्वल का जो की है उसको शिफ्ट के साथ अगर आप करेंगे तो प्लस का साइन आ जाएगा, सिंबल आ जाएगा। तो सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन भी है वो ये है कि डेटा से आप देखें डेटा में आप आएँ और यहाँ पर सेमेस्टर को आप सेलेक्ट कर लें। देखिए सेमेस्टर इसका पूरा जो कॉलम है इसको आप सेलेक्ट कर लें इस तरह, और इसको भी आप जो ब्रैकेट्स हैं उसमें रैप कर लें। अभी देखिए दो कंडीशंस हो गई इसको, सॉरी यहाँ पर इज इक्वल टू व्हाट कि ये जो कॉलम है ये और में जो हमारे पास जो सेकंड क्राइटेरिया है उसके इक्वल हो। अब दोनों कंडीशंस में क्या है कि या तो ये सेमेस्टर इसके सेमेस्टर वन या सेमेस्टर, ये दोनों वैल्यूज है इसमें से कोई भी जो है वो ट्रू आनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट आर्गुमेंट है वो क्या है कि इफ एम्प्टी, तो एम्प्टी का मतलब यह है कि आप यूज़र को क्या आउटपुट देना चाह रहे हैं अगर ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, तो हम कहेंगे नो, जैसा हमने एंड में किया था नो डेटा या फिर नो वैल्यू, कुछ भी आप लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। एंटर, ये देखें और क्राइटेरिया ये सेमेस्टर वन का भी ये एक्सपेक्ट कर रहा है और इस तरह सेमेस्टर थ्री का भी एक्सपेक्ट कर रहा है। सेमेस्टर फोर का आप कर लें और सेमेस्टर टू आप कर लें, ये देखें सेमेस्टर टू और सेमेस्टर फोर। तो इसी तरह से ये जो फिल्टर फंक्शन है ये बहुत ही वर्सटाइल और बहुत ही यूजफुल फंक्शन है। सो गाइस आई होप यू मस्ट हैव लर्न समथिंग यूजफुल फ्रॉम दिस लेक्चर। इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। Also, go to the comment section and comment about the video if you have any issues regarding this video. Thank you. Thank you so much.